दोस्तों आज मैं जो DIY बताने वाली हूँ उसको बनाने में मात्र 1 घंटे लगेंगे। 4 DIY है और मज़ा भी आने वाला है क्योंकि इसमें कोई भी ट्रिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और जो कबाड़ मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो 100% आपके घर में होगा ही होगा। तो आज मैं जो यूज़ करने जा रही हूँ वो टूटे हुए कप हैं और मेरे पुराने कटोरे वगैरह, और ये देखो मैंने दही वगैरह जो मंगाया था उसके बॉटल डब्बे वे सब हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दियाज क्रिएटिव DIY डेकोर बास्केट। मैं हूँ मेघा। तो चलिए DIY बनाते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड DIY के लिए मैंने दो टूटे हुए कप लिए हैं। दोनों का मैं अलग अलग आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड, मेरे पास टुकड़े जो थे जो मैं बनाती थी, तो वो सब जो बचे हुए थे ना, मैं वो सारे कबाड़ को मैंने यूज़ करा है। तो कप के जो साइड वाले हैं ना, जो कोन निकले हुए, उन्हें हम पहले नाइफ से आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कार्डबोर्ड को मैंने कट कर लिया और इसे कप में स्टिक करना है। तो एक मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़े में काटा है, देखो रेक्टेंगुलर शेप का हो या स्क्वायर शेप का हो। तो आप इसे कट करने के बाद स्टिक कर लो। और वही 2 चम्मच मैंने पुट्टी पाउडर लिया है, थोड़ा सा ग्लू और वाटर, इससे मिक्स करके एक बहुत ही पतला सा पेस्ट बनाना है। और हमें इसमें इसे लगाते जाना है। ये देखो इस तरह से मैंने लगाया है। और दूसरे कप को मैं कार्डबोर्ड का, कप के साइज़ का कार्डबोर्ड लूँगी, ये देखो। और इसे मैं जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप उस तरह से कट कर लेना, लंबे लंबे स्ट्रिप की तरह मैं काटूंगी। और इसे कट करने के बाद इसे भी मैं कप में स्टिक कर दूंगी। ये देखो इस तरह से हमें इसे स्टिक करना है। तो पहले वाले में मैंने छोटे छोटे स्टिक करे थे और ये दूसरे वाले में मैं थोड़ा लंबा लंबा ये स्टिक कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें स्टिक कर लेना है। दोस्तों इस बार मेरी वीडियो थोड़ी लेट आई है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो 2 दिन थोड़ा लेट हो गया, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और इस तरह से मैं देखो स्टिक कर ले रही हूँ इसे। स्टिक करने के बाद ये इस तरह से अब हम दोनों को सूखने देंगे। और सूखने के बाद देखो इसे भी मैं उसी तरह पेस्ट बनाकर, पुट्टी पाउडर, ग्लू और वाटर का पेस्ट बनाकर एक बार इसे इस पर लगा दूंगी। और ये देखो मैं सूखने दी हूँ। देखो सूखने के बाद ये कैसा लग रहा है। तो अब हम इसे पेंट करेंगे। तो इसके लिए मैंने वाइट कलर लिया है और हल्का सा ब्राउन, बस मतलब बिल्कुल हल्का सा मैं दी हूँ ताकि वाइट कलर जो है ना वो थोड़ा सा मतलब कलर चेंज हो जाए बस। तो इस तरह से मैंने वाइट कलर और ब्राउन कलर को मिक्स किया और ये देखो इसे मैंने पेंट कर दिया है। इसे अच्छे से पेंट करना है हमें, पूरे अंदर में भी इसे ब्रश की हेल्प से अच्छे से, मतलब पूरा अच्छा से हमें पेंट करना है इसे। और फिर मैं हल्का सा ब्लैक कलर ली हूँ वाइट में, थोड़ा ग्रे मुझे बनाना है। और इसे स्पंज की हेल्प से, अगर आपके पास स्पंज, एक्चुअली मेरे पास स्पंज नहीं था, मैंने कपड़े के टुकड़े लिए हैं, आप कपड़े के टुकड़े से भी इसे कर सकते हो। तो ये देखो ये कपड़े के टुकड़े की हेल्प से मैंने इसे इस तरह से डीप करा है। तो इसे हमें सिर्फ ऊपर ऊपर लगाना है, अंदर नहीं लगाना है, सिर्फ ऊपर से ही हमें जो ऊपर उभरा हुआ पार्ट है ना उसका, तो उसी में लगाना है। तो ये देखो मैंने पूरे में कर लिया और ये देखो कैसा लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है ना। तो अभी ये देखो बनने के, ये हमारा, अब हम इसे सूखने देंगे। और ये देखो दूसरा सूखने के बाद कैसा हो गया, अब इसे भी हम पेंट करेंगे। तो इसे पेंट करने के लिए मैंने ब्लैक कलर लिया है। ब्लैक कलर से मैं हल्के हल्के इसे नीचे थोड़ा ज़्यादा और ऊपर थोड़ा कम, हल्के हाथों से हमें इसे पेंट करना है। बहुत ज़्यादा मुझे ब्लैक कलर नहीं लगाई, मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर इसमें नहीं लगाई हूँ। तो इस तरह से, क्योंकि वुडन टाइप से मुझे करना था, ये देखो इस तरह से मैंने इसे हल्के नीचे से मैंने थोड़ा लगाया है ब्लैक कलर, बट ऊपर मैं थोड़ा हल्के ब्रश से मैं इसे कर रही हूँ। आप भी अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसी तरह से करना। ये देखो इसे लगाने के बाद ये कैसा हो गया। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर, बिल्कुल थोड़ा सा वाइट में ऑरेंज कलर मैं ले रही हूँ। इससे मैं साइड का जो ऊपर का जो पार्ट इसका थोड़ा छूटा है ना, वहाँ पे कलर करूँगी। और ब्लैक कलर जो है ना उस पर भी मैं थोड़ा थोड़ा इसे लगाऊंगी। तो देखो कितना इजी में हमारा 2 DIY तैयार हो गया ना। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। तो इसे हम एज अ पेन स्टैंड भी आप यूज़ कर सकते हो, मिनी प्लांट जो लगाते हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, और आर्टिफिशियल प्लांट भी रख सकते हो कहीं पे भी। कितना श्योर लगता है देखने में, इसका कलर इतना अच्छा आया है ना कि कहीं भी रख दोगे ना तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। और आप जैसे कहीं बाहर से आते हो तो ईयरिंग वगैरह जो भी आप नहीं रखते हो, इधर उधर रखना पड़ता है, तो वो सब भी आप इसमें रख सकते हो। और ये मेरा 3rd DIY है।
तो इस DIY में मैंने बॉटल और ये मेरे मेरे जो क्रॉकरी के जो बर्तन थे ना, मैंने उसे यूज़ किया। ये तो आप लोगों के पास भी होंगे। तो सबसे पहले मैं स्टिक बनाऊंगी पेपर के। तो ये देखो, अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हो तो ये देख लो, मैंने बताया आपको कैसे बनाना है। और इतने सारे स्टिक मैंने बनाए हैं। तो अब मैं इसे बॉटल के शेप का पेपर लूँगी और उस पर मुझे सारे स्टिक करने हैं पेपर पे। तो मैं इसे सारा स्टिक कर लूँगी ताकि बॉटल पे लगाने में बहुत आसान हो। तो इस तरह से मैंने लगा लिया, और एक साइड में पूरा इक्वली इसे कट कर लूँगी ताकि पूरा इसका एक साइड पूरा इक्वल हो जाए। और फिर दूसरे साइड में बाद में, पहले मैंने अभी बॉटल से साइज़ लंबाई इसकी नापी नहीं है, तो इसलिए मैं अभी उधर नहीं कट करी हूँ। तो ये देखो, इस तरह से मैं स्टिक कर लूँगी और ऊपर मैं अभी कट करूँगी जिससे कि मैं साइज़ ठीक से ले सकूँ। और ये देखो, मैं एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है हम कट करके इसे निकाल लेंगे। और इस तरह से मैं इसे स्टिक कर लूँगी, और ऊपर का भी मैं जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है ना, जो बॉटल से ऊपर जा रहा है, उसे भी हमें कट कर लेना है। तो इसे भी मैं कट कर लूँगी ऊपर का। इस अगर आपको अगर समझ में ना आए ना, ये जो मैंने पाइप जो बनाया है पेपर का, तो मैंने शॉर्ट्स में भी इसका बहुत ही डिटेल्स में अच्छे से डाला है नोट करके। और ये देखो, दोनों साइड का मैं ये सर्कल ड्रॉ करके कट कर ले रही हूँ ताकि मैं ऊपर नीचे इसके लगा सकूँ। और ये मैं स्टिक कर लूँगी ऊपर नीचे इसका। ये देखो, इस तरह से हमें स्टिक करना है। तो हमारा ये बेस रेडी हो गया है, और अब मैं इस पर ये इस तरह से बाउल को रख दूँगी। देखो, आप समझ रहे हो कि मैं क्या बना रही हूँ। ये मैंने मशरूम बनाया है, जो मशरूम आजकल बहुत ही ट्रेंडी है, ये बहुत ट्रेंड में चला हुआ है। तो ये मशरूम ना खाने वाला नहीं है, ये दूसरा मशरूम होता है। तो इसे भी मैं अब पुट्टी पेस्ट, जो 2 चम्मच का जो मैंने बनाया है ना, उसी तरह से। तो इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है यार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग पुट्टी ले आओ। पुट्टी नहीं है तो आप लोगों को थोड़ा सा ये लगता है कि अरे मार्केट जाकर लाना होगा, तो आप नहीं बना पाते हो। 25 रुपये KG आता है। ये देखो, मैं इसमें लगा ले रही हूँ। तो सबसे पहले आप पुट्टी ले आओ। अगर पुट्टी घर में रहेगा तो आप ज़रूर बना लोगे, क्योंकि इतना ईजी है, इतना आसान। मैं इस बार सोची कि एक तो कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, फिर मैं सोची क्या कि और मैं ना, ये देखो, सूखने के बाद मैं इसमें वाइट कलर से पूरा पेंट कर ली हूँ, और अब मैं रेड से इसके बाउल जो है ना, ऊपर का मैं पोर्शन इसे पेंट कर लूँगी। बाकी कहीं मुझे रेड कलर से इसे पेंट नहीं करना है। आपने वो मशरूम देखा है ना, जिसमें वाइट वाइट रहता है, तो वही मशरूम मैं बना रही हूँ। तो ये देखो, इसका देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप कहीं भी डेकोर पीस के रूप में इसे रखोगे ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। रेड वाइट का कॉम्बिनेशन तो अच्छा वैसे भी सुंदर होता है। तो इस तरह से मेरे तो बाउल में थोड़े थोड़े स्क्रैच, मैं हमेशा कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो कुछ लगा हुआ होगा, कभी मैं लगा दी होंगी। लेकिन आपके पास तो पूरा अच्छा वाला होगा ना, तो और खूबसूरत लगेगा आपके पास वाला में। मेरे में तो थोड़ा सा मतलब लाइनिंग वगैरह ये सब थोड़ा लग गया है कलर पेंट वगैरह से। और अब मैं इसे वाइट कलर से डॉट दूंगी। आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है ना, बड़ा छोटा, जहाँ मन हो वहाँ आप डॉट इसमें दे देना है। तो मैं बड़ा भी बनाऊंगी, छोटा भी बनाऊंगी। ये सबसे छोटा वाला डॉट मैं दी हूँ, और फिर मैं उससे बड़ा का देखो, और फिर उससे बड़ा। तो इस तरह से बड़ा छोटा जहाँ आपको मन हो ना, आप वहाँ पर वाइट वाइट से इसे बना देना है। तो इस तरह से हमारा मशरूम बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसका मैं ये सभी का फाइनल लुक आपको लास्ट में दिखाऊँगी। तो ये देखो, इस तरह से। तो 3 DIY कितना फास्ट और कितना इजी वे में बन गया, कोई मेहनत भी नहीं है ज़्यादा। तो एक्चुअली ना, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो मैं सोची मेरे पास अभी 2 दिन बचे थे, मैं सोची कि जल्दी सा बनाकर आप लोगों को पोस्ट कर दूँ वीडियो के, आप लोग देख सको। ये देखो हमारा रेड। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रेडी हो गया, और अब हम चलते हैं 4th DIY में। इसका तो मुझे आइडिया ही नहीं था, पर टूटा हुआ था, मैं सोची कि क्या करूँ इसका। मैं फिर से चलो ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने इसे ट्राई किया। सबसे पहले मैं इसे इस तरह से लगाकर सेलो टेप से स्टिक कर लूँगी। बहुत ही आसान है, कोई भी मेहनत इसमें नहीं है। सेलो टेप से स्टिक कर लूँगी पूरे अच्छे से। दोस्तों, अगर मेरी ना वीडियो आने में देर हो जाए ना, तो समझ, तो ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही हो जाती है। कभी मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं, या फिर मैं बीमार हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं, वरना मैं कोशिश में हूँ कि मैं वीक में 2 वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ, ताकि आप लोगों को दिखा सको, और ईजी से ईजी, ताकि आप लोग भी बना सको। तो ये देखो, हमारा स्टिक हो गया,
और स्टिक होने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्लू ली हूँ, ग्लू और वाटर, और ये ग्रीन कलर सैप ग्रीन मैंने लिया है, तो इसे मैं बहुत अच्छे से इसे पेंट कर लूँगी। और ये ऊपर का जो पोर्शन है ना उससे टेंशन मत लेना, क्योंकि ये सारा जो मैं बनाऊँगी ना वो पूरा ढक जाएगा, तो ढकने के बाद तो ये पता भी नहीं चलेगा कि ऊपर में कैसा इसका बना हुआ है, क्योंकि सेलो टेप का जो वो जो मास्किंग टेप का जो है ना वो लगा हुआ है इसमें। अब मैं फ्लावर बनाऊंगी, तो फ्लावर बनाने के लिए A4 साइज कोई भी पेपर, आप वाइट पेपर हो आप उसे लेकर सर्कल कट कर लेना, और फिर देखो इसे बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना, तिरछा कट कर किया है मैंने। और नीचे में पहले मैं ड्रॉ कर लूँगी जहाँ तक मुझे कट नहीं करना है, यहाँ से ये पोर्शन जो कॉर्नर है ना ये हमें कट नहीं करना है। अब हम इसे कट करेंगे, ये देखो, तो इस तरह से साइड हमें कट करना है इसे, तो पूरे में हम इसे कट लगा लेंगे। देखो तिरछे कट करने के बाद फिर हम इसे, ताकि ये फ्लावर का जो पेटल होता है ना वो थोड़ा कोन टाइप से बने, इसलिए साइड में तिरछे से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखो, आप इसमें कोई सा भी पेपर यूज़ कर सकते हो, कोई भी, अगर वाइट पेपर आपके पास है तो बच्चों के होंगे या घर में पेपर तो आसानी से मिल जाएंगे। और मैंने तो इसमें ग्लू यूज़ किया है, आप ग्लूगन भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो ये हमारा बन गया ना, अब इसे हम एक साइड में कट कर लेंगे पूरा कॉर्नर, ये बीच तक देखो इस तरह से हम एक कॉर्नर इसका कट कर लिया मैंने, तो अब इसे पेंसिल से हम थोड़ा सा इसे राउंड कर देंगे ताकि इसका अच्छा लीफ बनकर तैयार, ये साइड का बनकर तैयार हो जाए। और अब देखो इसे हमें फोल्ड करना है ग्लू की हेल्प से, तो पहले मैं ग्लू लगा लूँगी और इसे हम फोल्ड करेंगे। देखो मैं कैसे फोल्ड करी हूँ, वीडियो में बहुत अच्छे से देखना तभी बन पाएगा ये, इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। और ये हमारा, और यहाँ भी मैं ग्लू लगा लूँगी, इसे स्टिक करना है तो ये बिल्कुल आराम से करना और ध्यान से करना। ये देखो स्टिक कर लिया मैंने, और अब ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया, और ये फ्लावर रेडी हो गया तो इसे अब हमें पेंट भी थोड़ा सा करना है, तो ये देखो इस तरह से। तो इसमें मैंने अपने बेटे को भी इन्वॉल्व किया था ताकि वो भी थोड़ा आर्ट क्राफ्ट का काम करे। और ये देखो पेंसिल से फिर हम इसके लीफ को थोड़ा कर्व शेप दे देंगे, और फिर अब हम इसे पेंट करेंगे। तो पेंट में आपको जैसा कलर मन हो आप वो कलर इसमें पेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जितने कलर थे सारे कलर इसमें डाल दी हूँ ताकि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। और ये देखो पहले मैं रेड डाली, फिर ब्लू डाली, फिर स्काई ब्लू डाली, येल्लो डाली, ग्रीन डाली, मतलब जितने कलर थे ना मैंने सारे इसमें यूज़ कर लिए हैं। और इसे देखो बीच में डार्क हमें डालना है, और थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए ये देखो लाइन लाइन हमें कर देना है। तो ये देखो मैं सारे कलर यूज़ कर रही हूँ, हल्का हल्का हमें सिर्फ बीच में इसे पेंट करना है, ये देखो। और ये देखो मेरा कितना खूबसूरत लग रहा है ना सारे फूल। मेरा बेटा भी इसमें थोड़ा मेरी हेल्प कर रहा है, एक्चुअली वो 9 ईयर्स का है। तो ये देखो हमारा फ्लावर रेडी हो गया, और अब देखें हमारा बॉक्स, ये देखो सूखने के बाद ये कैसा हो गया। और अब हमें इसमें सिर्फ फ्लावर को स्टिक कर देना है। तो कितना इजी DIY मैं आज बताई हूँ आप लोगों को। तो आज मैंने आपको 4 DIY बताया, जिसमें से 2 कप के मैंने बताया जो कि मल्टी यूजेज टाइप से है, मतलब बच्चों के जगह इरेजर शार्पनर वगैरह जो आपको रखना हो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। और 2 मैंने फ्लावर बताया जो कि आप डेकोर पीस की तरह यूज़ कर सकते हो, कहीं भी रखोगे बहुत ही सुंदर लगेगा। तो अब हम सारे को इसमें स्टिक कर लेंगे ग्लू की हेल्प से, और हमें ऐसा स्टिक करना है ना कि वो बाहर की तरफ थोड़ा खिलता हुआ दिखे, मतलब किसी को अंदर की तरफ हमें फोल्ड करते हुए नहीं करना है, ऐसा करना है स्टिक कि वो बाहर की तरफ दिखे। तो ये देखो इस तरह से हम सारे को स्टिक कर लेंगे, और मेरा जितना पार्ट थोड़ा ख़राब दिख रहा था ना मैंने उसको सारे को फ्लावर से ढक दिया, देखो। तो इस तरह से हम इसे स्टिक कर लेंगे सारे को, देखो नीचे जहाँ तक मैंने मास्किंग टेप लगाया ना, यूज़ करा ना, मैं वहाँ तक सारे को फ्लावर से ढक दे रही हूँ ताकि वो दिखने में ख़राब ना लगे, और हमारा फ्लावर भी देखना बनने के बाद ये कितना खूबसूरत लगता है। दोस्तों आपको इन सभी में से कौन सी DIY पसंद आई, अच्छी लगी, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में से कुछ और सुधार कर सकूँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर देना। बनकर रेडी हो गया, और अब कुछ भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, अब सिर्फ फ्लावर दिख रहे हैं और प्लांट दिख रहा है ना।
तो ये, और ये देखो फाइनल लुक। इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ, दो तो डेकोर आइटम है और बाकी जो दो मैंने कप का बनाया ना उसमें आप ये देखो, कभी आप जब बाहर से आते हो तो अपना सेफ्टी पिन वगैरह, इयररिंग वगैरह या जो भी ज्वेलरी वगैरह होता है वो तुरंत खोलकर हम कहाँ रखें, तो ये हम इसमें रख सकते हैं और बाद में फिर इसे अपना अंदर रख लें। और प्लांटर, मिनी प्लांटर वगैरह तो हो या फिर जो भी हो आप रख सकते हो, इसमें कर सकते हो, पेन स्टैंड भी बना सकते हो, किचन में भी यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना, और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना ताकि मेरे नोटिफिकेशन मिल सके। मिलती हूँ फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।